आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। रुक करते पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इससे पहले भी सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बरेली की जनसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश के राज में कभी यूपी के गरीबों का भला नहीं हुआ। अखिलेश ने कोरोना वैक्सीन का विरोध किया और खुद चुपके से वैक्सीन लगवा ली। जब मैं 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रचार के लिए जाता था, तब चारों ओर से 14 हो या 17, हमें एक ही बात मिलती थी कि भाई साहब, बाकी तो जो करना है वो करना, मगर एक गुंडा राज को समाप्त कर दो। कहते थे या नहीं कहते थे भाई? जरा जोर से बोलो, कहते थे या नहीं कहते थे? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड से चून चून कर माफियाओं को समाप्त करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ जी, ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन सपा बसपा बसपा सपा नहीं ला सकते, क्योंकि ये जातिवादी पार्टियों की मजबूरी है कि उनको माफियाओं को संरक्षण देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कोई जातिवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलती। अब ये बताओ, अखिलेश बाबू निकले हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो, मिलना बिलना कुछ नहीं है, मगर गलती से भी समाजवादी सरकार की बनी तो ये तीनों जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो माफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर रखती है, और कोई नहीं कर सकता। मैं पूछना चाहता हूं, नाम तो समाजवादी पार्टी रखा है, अखिलेश बाबू आपके शासन में गरीबों को ये फायदा क्यों नहीं मिला था? सादा सपा पर, खासतौर से अखिलेश यादव पर वैक्सीन को लेकर, गुंडाराज को लेकर, कई मुद्दों को लेकर निशाना साधते हुए नजर आया। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर खान जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरह से अमित शाह ने निशाना साधा है आज सपा पे और कई ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आए हैं, और क्या कुछ कहा है? जमकर निशाना समाजवादी पार्टी पर साधा, कानून व्यवस्था को लेकर या तमाम बातों को लेकर, वो जाकर चुपके से वैक्सीनेशन लगा है, और उन्होंने सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया। इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर अमित शाह ने जमकर निशाना साधा समाजवादी पार्टी सरकार पर, और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो गरीबों का कल्याण होना अनिश्चित है। जिस तरह माफिया और गुंडा राज पर भी बात कहते हुए अमित शाह नजर आए हैं, तो कितना बदलाव देखने को मिला है 5 सालों में? एक गुंडा राज खत्म करने की बात करती है बीजेपी, आपको क्या लगता है? और जिस तरह से अमित शाह ने निशाना साधा, तो क्या इसके बलबूते इस बार बीजेपी को दोबारा वोट मिलेगा? आपको बता दें, जिस तरीके से गुंडा राज, अगर माफियाओं की बात करें तो चंद ऐसे माफिया है जिस पर कार्रवाई की गई है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, या दीगर जो भी, चाहे वो विकास दुबे का मामला हो, तो चंद ऐसे जो बाहुबली जो हैं उनके
खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर कानून व्यवस्था को देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफी 5 सालों में जो सुधार है वो आया है। और इस बार अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव ने भी काफी सोच समझ करके टिकट दिया है जो बाहुबली ने, काफी उनमें टिकट को लेकर काफी कटौती की अखिलेश यादव ने और काफी साफ छवि वाले प्रत्याशियों को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव समाजवादी पार्टी में भी देखा गया। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो बीते 5 सालों में किस तरीके से चाहे वो शत्रु संपत्ति को लेकर कार्रवाई हो या फिर बाहुबली माफियाओं पर कार्रवाई हो, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी करती आई है और जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं चलेगा, कानून अब माफियाओं का बाहुबलियों का समाया होगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफी कार्रवाई करती आई है और गुंडा राज जो है माफिया राज का समान जी। बिल्कुल अजहर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजहर खान जुड़े थे। तो विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए अमित शाह, खास तौर से जिस तरह से कहा जा रहा है कि यूपी में सीधी टक्कर सपा दे रही है, तो सपा प्रमुख पे ही सबसे ज्यादा निशाना साधा, वो चाहे वैक्सीन का मुद्दा हो, इस तरह का भी आरोप लगाती रहती है बीजेपी की वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रांतियां पैदा करी हैं, भड़काया है और उसके बाद जो है खुद जाके वैक्सीन लगवा ली। तो इस तरीके के कई मुद्दे उठाए हैं आज अमित शाह ने। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के बाद अभी सभी राजनीतिक दलों ने बाकी के चरणों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी सियासी दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इसी कड़ी में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कई योजनाएं करके जनता से भाजपा के पक्ष में मत देने की अपील की है। तो लगातार कई जनसभाएं कर रहे हैं और अलग अलग जिलों में मैराथन जनसभाएं हो रही है और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। आज कोई प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस कर पा रहा है क्या? क्योंकि दंगाई को मालूम है, दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, भलाई नहीं कर पाएगी और उल्टा उसके फोटो के बैनर लग जाएंगे जगह जगह चौराहे पर, किस या दंगाई है इससे सावधान रहिए। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि यह भाजपा का वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, अब समय आ गया है जब इस भाजपा की वैक्सीन ने, मोदी वैक्सीन ने कोरोना से हमें बचाया है, तो विरोधियों को जवाब दीजिए जो इस वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, उनको जवाब दीजिए कि जब मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन बचाएगी तो वोट भी उन्हीं को देंगे। भारतीय जनता पार्टी का विकास तो आपको हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला के साथ मिलने वाली योजनाओं के साथ देख सकते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के विकास की बात करते हैं, मैंने पूछा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, वे पूर्व मुख्यमंत्री है, मैंने उनसे पूछा कहीं विकास कराए हो, किसको विकास कहते हैं? उन्होंने कहा नहीं विकास। मैंने कहा कहां विकास कराया? उन्होंने कहा कि आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, आपने सड़क बना दिया, आपने बिजली दे दी। मैंने कहा ये तो हमने किया क्योंकि हमारी जवाबदेही थी, लेकिन तुमने क्या विकास कराया है? उन्होंने कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा कौन सा विकास कराया है? उन्होंने कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री कैसे बनाई थी। इन्होंने वंशवाद को बढ़ावा दिया। अगर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये लोग जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं तो ये मत और मजहब की बात करते हैं। मैं समग्र विकास की बात करता हूं तो ये लोग कब्रिस्तान की बात करने लगते हैं। मैं गन्ना की बात करता हूं तो ये लोग जिन्ना की बात करने लगते हैं। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया जाता था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों पर ये लोग कितनी रहम करते थे, इनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी, उनके मुकदमों को ये लोग वापस लेते थे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब आई, पहला काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किसानों के कर्ज माफी के लिए किया था, और आपके शाहजहांपुर में 68,000 से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ था, कर्ज माफ हुआ था 68,000 से अधिक किसानों का। आज बदायूं में नए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हो करके विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ मेडिकल कॉलेज में यहां के युवाओं को डॉक्टर बनने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। तो गंगा एक्सप्रेसवे भी मेरठ से प्रयागराज के बीच सबसे अधिक कृपा मां गंगा अपने एक्सप्रेसवे के माध्यम से कहीं बरसा रही है, तो उस कृपा का सबसे बड़ा क्षेत्र है तो बदायूं जनपद है। सबसे ज्यादा गंगा एक्सप्रेसवे इस जनपद से होकर के जा रही है, सबसे ज्यादा लाभ यहां के किसानों को प्राप्त हो रहा है। और भाइयों बहनों, इस लाभ के साथ साथ यहां पर इस खबर में हमारे संवाददाता अजहर खान जुड़े हुए हैं। अजहर, दंगाइयों में खौफ है, मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई है, जातिवाद की बातें होती थी पहले और अब सब सौहार्द के साथ रह रहे, तो कई बातें कही हैं सीएम योगी ने, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो जिस तरीके से का कहना है कि समाजवादी पार्टी सरकार में लोग आतंकवादियों के मुकदमे खत्म कर दिए जाते थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी जमकर शिकंजा कसा, और उसके अलावा तमाम विकास के ऐसे मुद्दे को लेकर संबोधन और गन्ना की बात करके किस तरीके से कहकर समाजवादी पार्टी के ऊपर अपने शुरू से निशाना साधा। और आपको बता दें जी बिल्कुल, कई मुद्दों को लेकर सभा में निशाना साधते हुए आज नजर आए, वो चाहे अमित शाह हो या फिर पीएम मोदी हो या फिर सीएम योगी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजहर, तमाम जानकारी के लिए। तो कई मुद्दों को लेकर सभा पे लगातार गरज रहे, बरस रहे बीजेपी के कई बड़े नेता, आज ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिल रही हैं और कई मुद्दों को लिया जा रहा है और सभा पर निशाना साधा जा रहा है। रुक करते अगली खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा चेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मिली जमानत के मामले पर केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है। अब इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान भी सामने आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी भी स्टार के बेटे, आम आदमी या फिर नेता के बेटे की जमानत हो, कोर्ट तथ्य और केस को देख कर ही निर्णय लेता है, हमें न्यायपालिका पर विश्वास है। बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने वाली जो घटना हुई थी उसमें आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। आशीष को गुरुवार को जमानत मिल गई है, हालांकि दो धाराओं की वजह से अभी आशीष की रिहाई नहीं हो पाई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को वाराणसी के सिगरा इलाके में बीजेपी के प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हिजाब विवाद और यूपी चुनाव पर बात करी और साथ ही साथ आशीष मिश्रा, जो कि इस वक्त मुद्दा बना हुआ है जिसकी वजह से बीजेपी को विपक्ष द्वारा घेरा जा रहा है, इस पर भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है, कोर्ट हमेशा तथ्य और केस को देखकर ही फैसला लेता है। हालांकि बेल हो गई है लेकिन उन्हें जेल से रिहाई नहीं मिली है। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता धीरज तिवारी जुड़ चुके हैं लखीमपुर से। धीरज, केंद्रीय मंत्री का जो ये बयान सामने आया है कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से न्यायपालिका ने यह फैसला लिया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बेल का फैसला आया है और उसके बाद भी बीजेपी को घेरा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल बता दो शिखा जी, तिकुनिया कांड जब से हुआ है लखीमपुर खीरी में, तब से ही विपक्ष पूरी तरीके से भाजपा सरकार को बराबर घेर ही रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो या खुद अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो किसान संगठन के लोग ही क्यों ना हो, बराबर 5 माह आज हो गए हैं, बराबर ही तिकुनिया कांड जो है चर्चाओं में रहा है। और इस समय तो यूपी में चुनाव जो है वो चरम सीमा पर है, कल जो पहले चरण का मतदान भी हुआ, तो जब कल
हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जो है जमानत मंजूर की है, उसके बाद में जो चर्चाओं का बाजार है पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। जहां भी इस समय विपक्ष पूरी तरीके से तिकुनिया कांड को लेकर हावी है, वही जो आज अनुराग ठाकुर जो सूचना प्रसारण मंत्री है केंद्र सरकार के, उनका बयान भी सामने आया कि चाहे वो स्टार प्रचारक स्टार का बेटा हो, चाहे वो आम आदमी का बेटा हो, चाहे वो नेता का बेटा हो, लेकिन जो कोर्ट जो फैसला करता है वो कहीं ना कहीं कि कोई ना कोई मुद्दा देखकर ही, सारे तत्व देखकर ही निर्णय लेता है। वो न्यायपालिका है, उसका जो निर्णय है वो पूरी तरीके सर्वमान्य है, हम उसका सम्मान भी करते हैं। जी धीरज, जिस तरह से सरकार द्वारा ये एसआईटी की टीम गठित की गई, एसआईटी की टीम ने ही बस बक्सा भर के चार्जशीट दाखिल करी थी, सबूत जुटाए थे उनकी अपराधी होने के, उसके बाद भी जब कोर्ट द्वारा रिहाई दी जा रही है तो विपक्ष द्वारा जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये कितने सही हैं? देखिए बिल्कुल बता दें कि जो एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट पेश की, 5000 पन्नों की जांच रिपोर्ट थी, उसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी एसआईटी ने बनाया था। उसके बाद में जो अब आशीष मिश्रा की जमानत मंजूर हुई है, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं वो ये चर्चा में जरूर उठा रहे हैं कि एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट पेश की थी उसके बाद में इतनी जल्दी जमानत मंजूर हो जाना, कहीं ना कहीं जो है वो उंगली उठा रहे हैं विपक्ष लोग। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता धीरज तिवारी जुड़े थे लखीमपुर से। तो लखीमपुर में इस कांड को हुए 4 महीने हो गए, लेकिन अभी भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है, विपक्ष के निशाने पर बीजेपी अभी भी बनी हुई है। रुक करते अगली खबर की तरफ। उन्नाव में माखी कांड की दुष्कर्म पीड़िता पोस्टमार्टम हाउस पहुंची, वहीं पीड़िता की मां कांग्रेस से सदर सीट से प्रत्याशी। माखी कांड की पीड़िता का कहना है कि आज इस युवती को मार दिया गया है, कैसे इस देश की बेटियां जिंदा रहेंगी, इस सरकार में पीड़ित पर ही मुकदमा लिख दिया जाता है, ये बहुत निकम्मी सरकार है जिसने इस युवती को मारा है, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। तो फांसी की सजा की मांग करती हुई नजर आई है पीड़िता, और साथ ही साथ पोस्टमार्टम हाउस भी पहुंची, और जिस तरह से इस लड़की की युवती की हत्या हुई है उसको लेके काफी नाराजगी भी जताई। बीजेपी सरकार में बेटियों को न्याय नहीं मिलता है, अन्याय होता है, और जो घर के सदस्य जाते हैं या एफआईआर लिखवाने पुलिस के पास, तो एफआईआर नहीं लिखी जाती है, घर के लोग भटकते हैं, फिर उसके बावजूद उन्हीं के ऊपर उल्टा मुकदमा लिखवा दिया जाता है बीजेपी सरकार में। ये तो बीजेपी सरकार में अत्याचार हो रहा है, बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, गलत होता है, मार दिया जाता है। ये सरकार बहुत निकम्मी सरकार है, जो इन दोषियों ने मारा है, जो भी इसकी भाभी की लड़की को मारा है, उन सब दोषियों को फांसी होनी चाहिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।